लोक प्रशासन द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम रिजर्व बैंक के कार्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम देखें कि रिजर्व बैंक सन 1934 ईस्वी में पारित एक्ट के तहत, पार्लियामेंट एक्ट के तहत रिजर्व बैंक जो है एक प्रमुख केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित हुआ भारत में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में मौद्रिक स्थिरता को स्थापित करना था और देश हित में मुद्रा तथा साख प्रणाली का संचालन करना और इसके लिए नोटों का निर्गमन और नियमन करना था और रक्षित कोषों को रखने का कार्य करना था। इसके अलावा समय समय पर रिजर्व बैंक जो है वो अनेक कार्य करते हैं, जिसमें इनको हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला, इसे केंद्रीय बैंकिंग के रूप में देखा जा सकता है रिजर्व बैंक को। दूसरा, सामान्य बैंकिंग जो कार्य होते हैं उस रूप में इसको देखें। और फिर उपभोक्ता केंद्रित कार्य के रूप में देखें। तो केंद्रीय बैंकिंग कार्य के रूप में रिजर्व बैंक का जो प्रमुख दायित्व है वह है करेंसी अधिकारी के रूप में यह कार्य करता है। रिजर्व बैंक जो है वो करेंसी जारी करता है और इसी के नियंत्रण निर्देशन में एक रुपये के नोट, सिक्के और छोटे सिक्कों को छोड़कर जितने भी इस करेंसी नोट है उसका निर्गमन का जो अधिकार है, एक अधिकार रिजर्व बैंक के पास है। एक रुपये के नोट, सिक्के तथा छोटे सिक्कों को भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, वित्त मंत्रालय के सचिव के द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में रिजर्व बैंक भारतीय करेंसी का जो है वो आप देखें, एक बहुत बड़ा भाग 2 रुपये, 5 रुपये, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 तथा 2000 रुपये के नोटों के रूप में यह निर्गमित करता था। पहले इसमें इसने 5000 और 10000 रुपयों के नोट भी निकाले थे, लेकिन काले धन को चलन से बाहर करने के लिए ये 5000 और 10000 के जो बड़े नोट थे इनको बंद कर दिया गया था। वर्ष 2016 में, जैसे आपको ज्ञात होगा, 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने, मोदी ने 500 तथा 1000 रुपये के नोट को भी डिमोनेटाइज, विमुद्रीकृत कर दिया था। यह भी एक प्रयास था काला बैंक, काले धन को नियंत्रण में लेने के लिए, लेकिन बाद में 500 तथा 2000 रुपये का नया नोट निर्गमित किया गया। तो ये करेंसी को जारी करने का अधिकार या कार्य केंद्रीय बैंकिंग के रूप में रिजर्व बैंक को देखते हैं। इसके बाद जो इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कार्य हैं एक क्षेत्र में, कि रिजर्व बैंक में दो विभाग होते हैं, खासकर एक नोट निर्गमन विभाग और दूसरा बैंकिंग विभाग। तो रिजर्व बैंक द्वारा जो भी रुपए नोट जारी किए जाते हैं वह सब केंद्र सरकार की गारंटी के अंतर्गत जारी किए जाते हैं, यानी भारत सरकार जो है उस रुपए के मूल्य के बराबर जो है कह सकते हैं। पहले तो ये सोना के रूप में प्रॉमिस किया जाता था, ये प्रॉमिसरी नोट था कि इस मूल्य के बराबर हम आपको सोना देंगे। तो अब सोना, यानी कि अगर आप नोट को बैंक में जमा करा के आरबीआई से कहो कि भाई इसके बदले में आप हमको इसके मूल्य के बराबर सोना दीजिए, तो सोना आपको देने का जो है उसका दायित्व तो बनता है। और इसीलिए हर नोट पे ये बात लिखी जाती है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये जो 100 रुपये अदा करने का वचन किस रूप में है, तो सोने के रूप में, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। नोट निर्भन जो निर्गमन विभाग है, इसकी जो स्थिति है, स्थिति विवरण बैंकिंग विभाग की परिसंपत्तियों तथा देनदारियों से अलग रखी जाती है। देश की करेंसी पर जनता का विश्वास कायम रखे रहे, इसके लिए रिजर्व बैंक का नोट निर्गमन विभाग करेंसी मूल्य के नोटों के बराबर सुरक्षित कोष में स्वर्ण के सिक्के, बहुमूल्य धातुएं, विदेशी प्रतिभूतियाँ, भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ तथा ऐसे विनिमय बिल तथा प्रतिज्ञा पत्र रखता है जिनका भुगतान भारत सरकार में होना है। कुल मिलाकर
जो भी नोट निर्गमित किए जाते हैं उसको उसके बराबर मूल्य के जो है उसके पास उसको कोष रखना पड़ता है। ये ठीक उसी प्रकार की बात है कि अगर आपने किसी सफ़ेद कागज़ पे, सादे कागज़ पे लिखकर किसी को दे दिया कि कल आकर मुझसे 1,000 रुपये ले जाना, ये मैंने साइन कर दी, इस पे सील लगा दिया, तो वो जो है वो आपका एक प्रॉमिसरी नोट हो गया, आपने वचन दे दिया उस कागज़ पे लिखकर धारक को कि कल आप या जब भी आप चाहें मुझसे ये 1,000 रुपये हमसे ले जा सकते हैं। तो 1,000 रुपये मूल्य के बराबर हमारे पास कुछ सामान भी होना चाहिए, या तो रुपया होना चाहिए या 1,000 मूल्य के बराबर कोई वस्तु होनी चाहिए जो हम उसको दे सकें। तो ये जो है इसी तरह से रिज़र्व बैंक भी क्या करता है कि स्वर्ण के सिक्के, बहुमूल्य धातुएं, विदेशी प्रतिभूतियां इत्यादि जो है अपने पास रखता है, जितने का वह नोट जारी करता है। बैंकिंग विभाग की मांग तथा इसके द्वारा हस्तांतरित विनिमय बिलों अथवा सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर निर्गमन विभाग नोट जारी करता है अथवा रद्द करता है। चलन में मुद्रा को लाने तथा हटाने का कार्य भी बैंकिंग विभाग के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी बातें जो थी वह रिज़र्व बैंक के एक करेंसी अधिकारी के रूप में हम देखते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है रिज़र्व बैंक का वह है साख नियंत्रण, है ना, एवं मुद्रा पूर्ति का कार्य। इसके अंतर्गत आप देखिए क्रेडिट कंट्रोल का कार्य करता है और सप्लाई ऑफ मनी का काम करता है। तो रिज़र्व बैंक का ये एक महत्वपूर्ण काम है और ये देखना कि राष्ट्रीय हित में, है ना, साख की मात्रा को कैसे हम उच्चतम स्तर पर बनाए रखें। साख से तात्पर्य ये है कि जो मान लीजिए, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आपने किसी व्यक्ति को एक सादे कागज़ पर 1,000 रुपये लिख कर दे दिया कि जब भी मर्जी आए तो मुझसे ले लेना, तो आपके ऊपर वो कैसे भरोसा करे कि यह व्यक्ति जो है समय आने पर मुझे 1,000 रुपये देगा। तो आपके पास इतनी संपत्ति होनी चाहिए और आपकी जो है क्रेडिट साख जो है बाज़ार में होनी चाहिए कि हाँ ये बहुत इनके पास संपत्ति है, पैसे वाले हैं, जब भी चाहेंगे अपन इनसे पैसे ले सकते हैं। तो यही बात होती है, साख से तात्पर्य ये होता है कि भारत के जो करेंसी है उसके साख को बनाए रखना ये RBI का काम होता है और इसके लिए वह कई प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करता है। साख नियंत्रण से अभिप्राय बैंकों को ऋण देने की नीति को नियंत्रित करने से है। इन्हें प्राप्त करने हेतु साख नियंत्रण भी अति आवश्यक। रिजर्व बैंक को साख नियंत्रण के विविध अधिकार प्राप्त है जिन्हें वो आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार बैंक के पास साख नियंत्रण के कई उपाय, और खासकर आपने नाम सुना होगा कि बैंक दर में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएं करने, बैंकों के नकद कोषों की मात्रा में परिवर्तन करने जैसे जो अधिकार होते हैं, है ना। आपने नाम सुना होगा कि SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम करता है, बैंक रेट को कम करता है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को नियंत्रित करता है। इसके माध्यम से वह क्या करता है, जो मुद्रा है, भारतीय करेंसी है, उसके साख को बनाए रखता है। आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों की ऋण नीति, निवेश नीति तथा ब्याज नीति को